तो कल हमारा फर्स्ट डे क्लास था। डे वन में हमने सीखा आपके साथ एक्सेल का आर्किटेक्चर, एक्सेल का एड्रेस मेथड और एक्सेल के हेल्प का यूजिंग। आज हमारा डे टू है, दूसरा क्लास है, और हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेल के सेटिंग्स के बारे में। अब आप बोलेंगे सर, दूसरी क्लास में आप एक्सेल की सेटिंग क्यों पढ़ा रहे हो? तो जैसे कि आप कोई नई मोबाइल खरीदते हो तो उसकी रिंग टोन, उसका वॉलपेपर, ये सब तो पहले से सेट होता है, फिर भी आप उसको चेंज करते हो, उसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट करते हो। क्यों? ताकि आप अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको यूज रख सको। उसी तरह से एक्सेल की जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो तो बन के आई ही है, फिर भी हम उसको अपने हिसाब से सेट करते हैं ताकि उसकी डिफॉल्ट सेटिंग कर सके, सॉरी डिफॉल्ट सेटिंग से अपने एनवायरमेंट की सेटिंग कर सके। तो फाइल मेनू बार के अंदर आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। न्यू, जहां पे आपको कई सारे टेम्पलेट्स मिलते हैं, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर। तो एक टॉपिक तो मेरे हिसाब से आप लोगों को आता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन नीचे आते हैं ऑप्शन पे। जैसे आप ऑप्शन पे आएंगे तो ऑप्शन पे आपको यहाँ पे नई चीज मिलेगी। ऑप्शन में यहां पे आपको देखिए कई सारे कैटेगरी हैं, उन कैटेगरी के यहां पे उसके ऑप्शन हैं। चलिए देखते हैं एक बार। सबसे पहले यहां देखिए बहुत सारे चीज तो है, लाइव प्रीव्यू वगैरह है, तो ये सब चीज कोई खास नहीं है। लेकिन हाँ, यहां पे होता है स्क्रीन टिप्स। कल मैंने बताया था कि किसी भी ऑप्शन के ऊपर आप जाओगे, कर्सर रखोगे तो उसका स्क्रीन टिप्स आपको दिखेगा, ठीक है? यस सर, तो फाइन। इससे इससे दो प्रॉब्लम होती है। पहली प्रॉब्लम, जब हम इंटरव्यू लेते थे अपने दोस्त वगैरह का, तो इंटरव्यू में क्या होता था, इंटरव्यू वगैरह में होता क्या था कि उनका, मैं चाहता था कि वो तुक्का ना मारे और क्या बोलते हैं उसको, ताकि वो मैं इंटरव्यू में एग्जैक्ट उनकी जो इंफॉर्मेशन मुझे पता चले। ऐसे लोग देख लेते थे कि हाँ क्या है, और फिर उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसे कर देते थे, इसलिए हमने इस फीचर को हटा दिया। दूसरा प्रॉब्लम होता था कि जब स्क्रीनशॉट लेते, जैसे मान लो किसी ने आपको डेटा भेजा और डेटा अगर गलत है आपका, अब उसको फोन करके बोलोगे ये पर्टिकुलर जगह पे डेटा आपका गलत है, तो उसको समझाना पड़ेगा कहाँ पे कौन सा जगह। तो हम लोग क्या करते थे, उसको हाईलाइट करते थे और स्क्रीनशॉट लेके भेज देते थे। ठीक है ना? तो स्क्रीनशॉट लेते समय गलती से कभी कर्सर ऊपर चला जाता था तो नीचे छुप जाता था, ये हाइड हो जाता था। तो इस केस में हम लोग ऑप्शन पर जाते थे और जो स्क्रीन टिप्स दिखता है उसको डाउन शो पे क्लिक कर देते। ठीक है, समझ में आया सर? जी सर, अब बात जी आती है सर, ये और स्क्रीन टिप्स ठीक क्या बोल रहे हैं? है सर, ये सही है, समझिए। अब बात करते हैं कि आप लोग कोई ना कोई फॉन्ट तो इस्तेमाल करते हैं यहां पे क्या? तो जनरली हम लोग जो डिफॉल्ट फॉन्ट होता है उसी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे वो अपने खुद का फॉन्ट इस्तेमाल करते हैं। कोई कैलेरी जो इस्तेमाल करता था, तो कोई एरियल इस्तेमाल करता है, तो अलग अलग फॉन्टेज है। तो आप हर बार फॉन्ट आपको चेंज करना पड़ता है, तो आप अपनी एप्लीकेशन की डिफॉल्ट फॉन्ट यहां से चूज कर सकते हो। कि एप्लीकेशन की डिफॉल्ट फॉन्ट जो सेट करोगे वही फॉन्ट आपका हर फाइल में होगा, पर जो फॉन्ट आप लगा चुके हैं तो वो तो जो ही वही रहेगा,
कि जब भी कोई नई फाइल क्रिएट होगी उसका डिफॉल्ट फॉन्ट, नई शीट क्रिएट होगा उसका डिफॉल्ट फॉन्ट जो आप यहां सेट करोगे वही रहेगा। तो इसका इस्तेमाल होता है बहुत सारी जगहों पे, और इसका इस्तेमाल तो एक जगह बहुत ज्यादा हुआ था। मैं एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में गया था एक्सेल की ट्रेनिंग देने के लिए, तो ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने पूछा कि आप लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है एक्सेल पे। तो सर सबने बोला कि सर हिंदी टाइपिंग में ज्यादा दिक्कत होती है। मैं बोला क्यों क्यों दिक्कत होती है? तो बोलते मुझे हर एक सेल पे जाके फॉन्ट को चेंज करना होता था। वो बोलते हैं कि सर मेरा 95 काम हिंदी में होता है, 5% काम इंग्लिश का होता है। तो मुझे 5% हमारा डिफॉल्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन 95 जगहों पे मुझे फॉन्ट चेंज करना पड़ता है। तो मैंने बोला ठीक है, आप एक्सेल के ऑप्शन पे जाए, यहां से हिंदी फॉन्ट सिलेक्ट कर ले तो आपका डिफॉल्ट हिंदी हो जाएगा, तो आपकी हिंदी की फॉन्ट ही रहेगी हर एक फाइल। ऐसे आपकी फॉन्ट की साइज है कि आप साइज सेट कर सकते हो, व्यू जो यहाँ व्यू होता है बाय डिफॉल्ट नॉर्मल व्यू है, ऐसे व्यू सेट कर सकते हो। और जब भी आप नई फाइल लेओगे तो कितने शीट डिफॉल्ट रहेंगे, 2007 में 3 होते थे, 2013 में 3 होते थे, लेकिन 2016 में 1 है, तो यहां से आप चेंज कर सकते हो। दूसरा यूजर नेम, यूजर नेम इंपॉर्टेंट है। देखिए अब देखिए कोई फाइल है हमारे पास, अब इस फाइल को किसने बनाया है कैसे पता चलेगा? चलिए से कर्सर ले जाऊंगा, यहां पे आईबीटी एक्सेल स्कूल लिखा हुआ आ रहा है, ये ऑथर नेम है, ये करेक्ट। तो होता क्या है कि आप किसी को फाइल बना के भेजते हो तो किसी को पता चलेगा कि ये फाइल बनाया किसने, हमारे को बहुत अच्छी फाइल है, तो आपका बॉस क्रेडिट नहीं लेगा, तुरंत पता चल जाएगा कि फाइल का ऑथर कोई और है, तो कोई और बनाया है इसको। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि ऑफिस वगैरह में जो हमारा फाइल सॉफ्टवेयर होता है उसमें जो सिस्टम होता है उसका जो लॉगिन आईडी होता है वही उसका डिफॉल्ट ऑथर बनता है। अगर आप ऑथर नेम आपने सेट नहीं किया है तो जो आपकी लॉगिन है जिससे आप सिस्टम लॉगिन करते हो वही लॉगिन नेम डिफॉल्ट रहता है, जैसे कि यूजर वन एडमिन वन इस तरह के। तो आप जो है यहां पे आके अपना ऑथर को चेंज कर सकते हैं यहां से, ठीक है, यहां पे चेंज कर सकते हैं। और कलरफुल चाहिए तो कलरफुल लगी, कलर से दिक्कत है तो डार्क ग्रे या व्हाइट कर सकते हैं एक्सेल की एप्लीकेशन को। ये तो हुई सेट से, इस तरह से फॉर्मूला में आएंगे आप। तो ये एक तो R1C रेफरेंस स्टाइल, मतलब जो ABCD जो कॉलम नेम दिख रहे हैं वो 1 2 3 हो जाएंगे। दूसरा कोई फॉर्मूला गलत होता है तो एक इंडिकेट करता है, तो आप चाहते हैं इंडिकेट ना करें, कॉर्नर में एक इंडिकेशन देता है ना, मैं करके दिखाता हूँ। जैसे कि हमने सिंगल कोट लगाया यहाँ पे कुछ लिख देता है ना इंडिकेशन, कर्सर देते बताता है जो भी एरर है कि नंबर इज स्टोर्ड एट टेक्स्ट या जो भी एरर होगा वो एरर यहाँ पे शो करेगा। तो ये शो नहीं रखना चाहते हो तो आप यहाँ से पहले तो इग्नोर कर देते हो, तो सिर्फ इसी में इग्नोर होगा, या चाहते कि किसी फाइल पे ना आए तो फाइल के अंदर ऑप्शन के अंदर फॉर्मूले में जाके इसको अनचेक कर सकते हो या कलर चेंज कर सकते हो। ऐसी प्रूफिंग में आओगे आप तो यहाँ देखिए इग्नोर वर्ड इन द अपर केस, जैसे स्पेल चेक करते हैं आप तो वो अपर केस को नहीं लेता है, जिसमें नंबर उसको स्पेल चेक में लेता है, अच्छा ही। लेकिन यहाँ ऑटोकरेक्ट में आप आएंगे तो ऑटोकरेक्ट में आप अपने लिए शॉर्टकट बना सकते हैं। जैसे मैंने बना रखा है कि मैं अगर अपने एक्सेल में DS लिखूंगा तो DS लिख के जैसे स्पेस मारूंगा तो डेली सेल्स रिपोर्ट लिख जाएगा। तो आप भी अपने लिए ऐसे शॉर्टकट बना सकते हो, जैसे कि आप कोई ऐसी पर्टिकुलर कोई पर्टिकुलर मान लीजिए सेंटेंस को बार बार यूज करते हो, या कुछ ऐसे साइंटिफिक नेम जिसका स्पेलिंग आप भूल जाते हो या स्पेलिंग बराबर आपसे गड़बड़ हो जाती है, तो ऐसे चीजों के लिए आप शॉर्टकट तैयार कर सकते हो ऑटोकरेक्ट में।
और दूसरा यहाँ पे एक चीज और भी है, जैसे कि ए बाय डिफॉल्ट क्लिक होता है, मैंने हटा रखा है लेकिन यहाँ पे क्लिक होता है। ये क्या होता है, जैसे आप ईमेल आईडी लिख के एंटर मारते हो ना, तो उस पे ब्लू कलर का निशान लग जाता है और हाइपरलिंक लग जाता है ना सर। यस सर, हाँ, तो उससे दिक्कत क्या होती है, उसको सेलेक्ट करने जाओ तो क्लिक हो जाता है, क्लिक होती है आउटलुक ओपन हो क्लिक जाता हो है। जाता है, आउटलुक ओपन हो जाता है, करेक्ट। हाँ, तो वो आप चाहते हो कि नहीं, क्योंकि डेटाबेस बना रहे हो तो आप चाहते हो कि मेरा वो ना दिखे, तो इसके लिए आप यहाँ पे इंटरनेट एंड नेटवर्क पाथ विथ हाइपरलिंक को अनचेक कर सकते हो, ठीक है, फिर नहीं दिखेगा आपका। सेम में आइए, तो सेम में पहला कि जब आप सेव करते हो तो आपका फाइल डिफॉल्ट एक्सेल वर्कबुक मतलब कि डॉट एक्सेल एक्स में सेव होता है। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आपके पास कोई मैक्रो फाइल है और मैक्रो फाइल को आपने इस फॉर्मेट में सेव कर दिया तो आपके सारे मैक्रो उड़ जाएंगे। तो सेव करते समय आपको चेंज करना होता है एक्सेल अनेबल वर्कबुक। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि आप हमेशा मैक्रो पे काम करते हैं, तो हमेशा आपको एक्सेल मैक्रो अनेबल वर्कबुक सिलेक्ट करना पड़ता है। तो कभी कभी अगर भूल गए तो सारे मैक्रो उड़ जाते हैं, तो उस केस में एक्सेल मैक्रो अनेबल वर्कबुक को यहां से सिलेक्ट कर लीजिए। ऐसे ही रिकवरी इंफॉर्मेशन है, फाइल का डिफॉल्ट सेविंग लोकेशंस कि आपका फाइल डिफॉल्ट कहां पे सेव होगा अगर आप पास ना दोगे तो, ये चीजें यहां पर है। उसका लैंग्वेज वगैरह इजी टू एक्सेस तो इसमें कुछ नहीं है। हाँ, एडवांस में आएंगे तो कुछ खास है, जैसे कि आप एंटर मारते हो तो कर्सर डाउन होता है, डाउन की जगह पे आप लेफ्ट राइट अप सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसे ही जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप 100 लिखते हो तो 1 आता है, मतलब कोई भी नंबर लिखते हो 50 60 लिखते हो तो पॉइंट में हो जाता है, मतलब 100 से डिवाइड हो जाता है। कभी प्रॉब्लम ऐसी होगी आपको तो याद रखिएगा कि इस पे क्लिक होगा। दूसरा फिल, आप लोग ड्रैग करते हो ना, सिर्फ कर्सर को लिया और ड्रैग मार दिया, ये ड्रैगिंग पॉइंट नीचे दिख रहा है आपको, तो अगर ये ड्रैगिंग पॉइंट को रिमूव करना है तो आप यहाँ ये अनेबल फिल हैंडल वाले को ड्रैग एंड ड्रॉप को अनचेक कर सकते हो। ऐसी और भी चीजें नीचे है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। जैसे फॉर्मूला बार को हटाना है, फंक्शन टिप्स को हटाना है, नहीं दिखना चाहिए, तो ये स्क्रोल बार हटा, यहाँ देखिए स्क्रोल बार हटाना चाहते हो, सीट का नेम जो दिख रहा है ये नहीं चाहिए, ये सारे चीज यहाँ पे आपको दिखता है। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट है आपका कस्टम लिस्ट। अब कस्टम लिस्ट कैसे इम्पोर्टेंट है, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। आप अपने फाइल इसमें डेटा में संडे लिखते हैं, और संडे लिख के आप नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो संडे मंडे ट्यूजडे आ जाता है। ऐसे मैं जैन लिखता हूं और जैन को लिख के नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं तो जैन 5 मार्च अप्रैल आ जाता है। और ऐसे ही मैं करेक्ट, यहां पे मान लीजिए कि कोई नाम पूजा लिखा और लिख के नीचे की तरफ ड्रैग किया तो यहां पे क्या आ गया, पूजा कविता नीरज। क्यों, आपके सिस्टम में सिर्फ पूजा आएगा, मेरे सिस्टम आया कि मैंने ऐड कर रखा। इसका बेनिफिट क्या होता है, जैसे कि आपके ऑफिस के अंदर सिटी लिस्ट है, आपको बार बार कॉपी करना पड़ता है, ऐसी क्लाइंट लिस्ट है, ऐसी टीम लिस्ट है, ऐसी प्रोडक्ट लिस्ट है, क्योंकि आपको बार बार कहीं से कॉपी पेस्ट करना या टाइप करना पड़ता है कोई समरी या कोई रिपोर्ट या कुछ लिखने के लिए। तो ऐसी चीज को आप एक्सेल ऑप्शन के एडवांस में जाएंगे और यहां सबसे नीचे एडिट कस्टम लिस्ट में आप ऐड कर दीजिए, यहां पे जैसे कि मैंने ये ऐड कर रखा है, ठीक है। डिफॉल्ट तो ये आपको संडे मंडे और जनवरी फरवरी ऐड होता ही है, आप चाहो तो ये भी आपको अपनी लिस्ट ऐड कर सकते हो, लेकिन इसमें लिस्ट की नंबर ऑफ आइटम्स ऐड करने की लिमिट है। जैसे कि मैंने नाम ऐड कर रखा है तो कितने हैं, 10, 5 या 10 होंगे, ऐसे आप है 255 से ज्यादा नाम नहीं एक लिस्ट में रख सकते हो।
इसकी लिमिटेशन है। ठीक है, अगर आप टाइप करने में दिक्कत होती है तो नीचे देखिए इंपोर्ट का ऑप्शन है कि एरिया सेलेक्ट करके आप इंपोर्ट भी कर सकते हो। अब एक चीज और ध्यान रखिए कि अभी आप जो एक्सेल ऑप्शन के अंदर में आप सेटिंग चेंज किया, तो याद रखिए ये जो सेटिंग आप चेंज कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर फाइल का नहीं। अगर आपने स्क्रीन टिप्स लगाया, आपने फॉर्मूला बार लगाया, आपने एंटर के लिए यूज किया, ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन को चेंज करती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने R1 ए कर दिया, एंटर एंटर का कर दिया कि एंटर करने पर राइट जाए, और फाइल आपने किसी को भेजा, तो उसके यहाँ राइट नहीं डाउन ही होगा, क्योंकि तो राइट जो चेंज किया आपने अपने सिस्टम पे चेंज किया। ठीक है, तो राइट जो चेंज किया आपने अपने सिस्टम पे चेंज किया, इसलिए आपका होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इस फाइल के भी चेंजिंग सेटिंग होती है, तो यहां आपको ऊपर में दिखा देगा। जैसे कि मैं अगर दिखाऊं एडवांस में, जैसे यहां दिख रहा है आपको क्लास एंड फाइल, तो ये जो हम चेंज करेंगे वो इस पर्टिकुलर फाइल की होगी, समझे? तो ऐसे ही आपको ऊपर दिख जाएगा कि देखिए, ये देखिए, और मैं यहां आपसे हॉरिजॉन्टल बार हटा देता हूं तो इस पर्टिकुलर फाइल का हटेगा, ना कि एप्लीकेशन का हटेगा। ऐसे ही सीट, नीचे सीट है, समझे? तो यहां पे कुछ पर्टिकुलर फाइल के लिए भी ऑप्शन है और इसके ओवरऑल ओवरऑल एप्लीकेशन का भी ऑप्शन है। अब बात करते हैं कस्टमाइज रिबन पे। तो यहां पे क्या है कि जैसे कि आप देखोगे कि मेरे सिस्टम में आपको डेवलपर टैब दिख रहा है, पावर पिवट दिख रहा है, लेकिन आपके सिस्टम पे ये नहीं दिखेगा। ठीक है, आपके सिस्टम पे नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको यहां से बाय डिफॉल्ट अनेबल नहीं होता, यहां से आपको अनेबल करना पड़ेगा। तो इस पे क्लिक करके आपको अनेबल करना पड़ेगा। ऐसे भी कोई जो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं चाहिए तो यहां से हटा सकते हो। और दूसरा चीज और भी है, जैसे कि बहुत सारे कमांड आपके पास नहीं है, बहुत सारे ऐसे कमांड जो है आपके पास नहीं है, तो वो कमांड जैसे कमांड नॉट इन रिवन, ऐसे कमांड को सेलेक्ट करके आप किसी मेनू बार में ऐड कर सकते हो। ठीक है, या फिर क्विक एक्सेस टूल बार, तो जैसे कि ऊपर में आप दिख रहा है आपको यहां पे सेव है, अनडू है, रिडो है, ऐसे आप चाहो तो यहां पे कुछ और कमांड भी ऐड कर सकते हो, यहां से ऐड होती है। ठीक है, तो आप एक बार अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से ये जितने भी मेनू बार के अंदर कमांड्स है उसको एक बार देख लो। ठीक है, और जो समझ में आए उसी पे छेड़छाड़ करना, क्योंकि अगर आपने गलत छेड़छाड़ कर दिया तो फिर दिक्कत, वो भी दिक्कत है सर। इसलिए जो चीज समझ में आए उसी के अंदर आप छेड़छाड़ करना। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग भी मैं YouTube पे डाल देता हूँ, और आज आपका आईडी क्रिएट कर दूंगा तो आपको कल से मेगा ड्राइव में मिलेगा।